نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. आज हम इंशाल्लाह 54th क्लास है मेरे ख्याल में हमारी सीरा की, और इसमें हमने इससे पहले तक हमने क्या पढ़ लिया था? सबसे पहले फतह मक्का किया हमने, फतह हुनैन कर लिया हमने, और उसके बाद हिसारे ताइफ जो था वो भी हमने कवर कर लिया था. अब आप सल्लम वापस मदीना आ गए थे उमरा करने के बाद, उमरे की डिटेल्स भी हमने पढ़ ली थी. मदीना आने के बाद फिर क्या क्या हुआ उस पे अब हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी, और मुतफरिक वाक्या, डिफरेंट वाक्या छोटे छोटे जो मदीना में हुए वो, और अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर वाक्या एला बस हम कवर कर ले, तो उसके बाद गज़वा तबूक आ जाएगी, और वो हमें पता है कि आखिरी गजबा है. उसके बाद फिर हिज्जतुल विदा होगा, और फिर आपसे सलम का विसाल, और फिर इंशाल्लाह सीरत हमारी कसम हो जाएगी. देखिए 2 महीने लगते कितनी, इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करते कि हो जाए. तो अभी मदीना आकर जो अहम वाक्यात हुए उसमें से एक वाक्या था काब बिन जुहैर जो है उनका इस्लाम कबूल करना. ये बहुत ही ज्यादा मशहूर पोइट थे, बहुत ही ज्यादा इनके जो वालिद थे जुहैर, वो बेसिकली जो मौलाकात सबा थी ना मक्का में, जो काबा में लटकी हुई थी अरब के, ये जो मुशरिकीन थे, शिर्क का दौर दौरा था बिल्कुल शुरू की जो बात है उसमें, मौलाकात सबा जो थी वो जो लटकी हुई थी उसमें इनके जो वालिद होते थे उनका भी हिस्सा होता था. इतने ये फेमस थे इनके वालिद, और फिर ये खुद बहुत ज्यादा. पहले भी हमने कई शुआरा के कन्वर्जन स्टोरीज पढ़ी हैं, लेकिन ये उनमें से सबसे ज्यादा मशहूर थे. और ये मक्का के नहीं थे बेसिकली, ये मक्का से बाहर रहते थे, अरब थे लेकिन मक्का में नहीं रहते थे. तो ऑलरेडी इनके पास मैसेज पहुंच भी चुका था, लेकिन ये जैसे बाकी शायर थे इस्लाम के खिलाफ शायरी कर रहे थे, उसी तरह इन्होंने भी इस्लाम के खिलाफ बहुत सारी शायरी की. लेकिन जब मक्का फतह हो गया तो इनके भाई जो थे उन्होंने इनको खत लिखा कि तुम कब तक भागते रहोगे, तुम इस्लाम कबूल कर लो. जैसे सारे लोग अब इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तुम भी इस्लाम कबूल कर लो और छोड़ दो सारा कुछ. तो इनको भी फिर एहसास हुआ कि हाँ नहीं, मुझे अब इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए. तो फिर ये अपना इनका जो भी कबीला था मक्का के बाहर, वहां से फिर ये निकले हैं, मदीना पहुंचे, और मदीना में बहुत ज्यादा लोग इन्हें नहीं जानते थे, क्योंकि ना ये मदीना के थे ना ये मक्का के थे, शक्ल से इतने लोग नहीं पहचानते थे, नाम से ये बहुत ज्यादा मशहूर, और शायरी बहुत ज्यादा मशहूर थी. तो ये पहुंचे हैं अंदर और जाकर ये डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए हैं मस्जिद में, और जाके इन्होंने पूछा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर काब बिन जुहैर जो है वो आपके सामने हाजिर हो तो क्या आप उसका इस्लाम कबूल कर लेंगे, वो आपसे माफी मांगे और इस्लाम कबूल करे, तो क्या आप उसको माफ कर देंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे उसका? तो आप सल्लम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल. तब इन्होंने बताया कि जी मैं काब हूँ. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको कबूल किया, इन्होंने माफी मांगी, इस्लाम कबूल किया, और फिर ये मुसलमान हो गए. और ये वो शायर है जिन्होंने बेसिकली असली बुर्दा शरीफ कहा. बुर्दा शरीफ बहुत ज्यादा फेमस है ना, हम भी तो सुनते हैं मौला या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन वाला जो है. तो वो जो है ना बुर्दा, ये जो मैंने अभी बताया ये बुर्दा बुसैरी कहलाता है, ये असली वाला नहीं है. ये एक और फेमस शायर थे बुसैरी, उन्होंने वो बुर्दा लिखा था जो मैंने बताया, जो हम में फेमस है बेसिकली, जो हम आमतौर पर डिफरेंट नातों में एडिड होता है सुनते हैं. वो क्यों, उसको क्यों बुर्दा कहते हैं? बुर्दा का मतलब बेसिकली चादर होता है, उसको इसलिए बुर्दा शरीफ कहा जाता है क्योंकि जो बुसैरी थे उन्होंने ये क्लेम किया था कि मैंने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शायरी सुनाई तो आपने मुझे अपना बुर्दा शरीफ तोहफतन दिया, चादर तोहफतन दी ख्वाब में, तो इस वजह से उसको भी बुर्दा शरीफ कहा जाता है. लेकिन असली बुर्दा शरीफ जो है ना वो इन्होंने लिखा था, लिखा तो यानी सुनाया था आपसे सलम को उसी वक्त उन्होंने सुनाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें इतना ज्यादा खुश हुए, इतना खुश हुए कि अपनी जो चादर थी, चादर मुबारक, वो उतार कर इनको गिफ्ट दी, जो ऊपर से क्लोक सा जो पहनते हैं ना अरब लोग वो बुर्दा, तो वो इनको गिफ्ट. इस वजह से इनकी इस पर्टिकुलर शायरी को बुर्दा शरीफ, और बहुत ही लंबी और शायरी तो वैसे ही मुश्किल होती है. उर्दू की भी शायरी हम पढ़े तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है समझने में, स्पेशली अगर वर्ड्स डिफिकल्ट हो, तो क्लासिक अरेबिक में जो शायरी होगी वो हमें फिर जाहिर सी बात है मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो जो
सीरत इब्न इसहाक वगैरह और बाकी किताबों में वो देख सकता है, पढ़ सकता है। तो ये इनकी इस वजह से ये फेमस थे। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये भी कहा कि तुमने अंसार के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी, शायरी लिखी, तो तुम उनके बारे में भी कुछ कहो। तो इन्होंने फिर अंसार की भी तारीफ की और उनके बारे में भी शायरी की। तो ये शायर थे जो कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और आपसे सलम ने इन्हें माफ कर दिया। और इसके बाद फिर फेमस शायरी फेमस बात वो क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट लोगों को भेजा, डिफरेंट सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ कुछ को भेजा। मक्का और इर्द गिर्द के जो आइडल्स थे, बुत थे, उनको तो छोड़ा जा चुका था, ताइफ में, हुनैन में, मक्का में, और भी इर्द गिर्द जो बुत वो सारे थोड़े जा चुके थे। ताइफ में इक्का दुक्का रहता होगा क्योंकि हिसारे ताइफ के बाद तो वापिस आ गए थे ना, और ताइफ को मुकम्मल तौर पर कब्जे में नहीं लिया गया था, वापिस दोबारा ताइफ में जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि आपसे सलम ने अब सहाबा को यमन की तरफ भेजा कि यमन की तरफ जाओ और वहां पे जो जो बुत मौजूद हैं उनका अब खात्मा किया जाए और किसी को ना छोड़ा जाए। और आप डेफिनेटली आइडल वर्शिपिंग जो है, आइडोलेट्री जो है, उसी को खत्म करने इस्लाम आया, सारे गलत रिलीजन्स को खत्म करने के लिए आया। और आइडोलेट्री तो खसूसी तौर पर बुतों के जरिए जो शिर्क है उसकी नापसंदीदगी थी, तो इस वजह से आपसे सलम ने ही मेड श्योर के सारे बुत खत्म किए जाए। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि उर्दू में मैंने टाइपिंग नहीं की, मैंने बताया ना मेरे सॉफ्टवेयर वगैरह लैपटॉप में अपडेट हुआ है, तो वो उर्दू का बिल्कुल ओपोजिट उल्टा लिखा है, टाइपिंग ठीक कर ही नहीं रहा। तो इस वजह से ऐसा खास मेहनत करने का यार इतना ही लिख सकती है, अब मैंने इंग्लिश निकाल दिया। तो हजरत सुहैल बिन अमर जो थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में एक कबीले की तरफ भेजा, वो कबीला जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का कबीला था, वो भी यमन से आए थे ना, और इनके साथ 400 लोग भी थे। और वहाँ का जो बुक बुक था ना, वो ज़िलकफ़ैन के नाम से था, कुछ कफ़ैन ज़िलकफ़ैन कुछ ऐसा नाम। और उन्होंने एक स्ट्रक्चर सा भी बना रखा था, काबा जैसा स्ट्रक्चर भी बना रखा था, और वहां पे उन्होंने ये बुत रखा हुआ। तो इन्होंने हजरत उफैल ने जाकर 400 लोग साथ में चला दिया और सारा कुछ खत्म किया और बुत भी खत्म कर दिया। फिर आपसे सलम ने हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला को भेजा और उनको भी यमन के ही एक और कबीले की तरफ भेजा, और उनका जो बुत था, बड़ा बुत, उसका अजीब सा नाम था, उसको करने के लिए, तो उसको खत्म कर दिया। इसके बाद हजरत अली बिन अबी तालिब को भेजा कबीला अत्ताई की तरफ। कबीला अत्ताई कौन सा था? हातिम ताई का नाम हम में से ज्यादातर ने सुना हुआ है। हातिम ताई की स्टोरीज हम पढ़ते थे ना बचपन में, और ये ड्रामास वगैरह में भी हातिम ताई का वो होता था, कोई ना कोई बहुत ज्यादा सखावत की वजह से, सखी होने की वजह से जो फेमस है अरब के ना, ये हातिम ताई। और सखावत और इस तरह बहुत ज्यादा लोगों पे खर्च करने, लोगों को खिलाने पिलाने के लिए बहुत फेमस है, ये उनका कबीला था। और ये हातिम ताई बचपन में, वैसे मैं समझती हूँ फिक्शनल स्टोरी है, तो जब सीरत पढ़ी ना डिटेल में, तब मुझे पता चला कि अदी बिन हातिम जो सहाबी है वो इनके बेटे थे हातिम ताई के, और ये असली करेक्टर थे और ये अरब से थे। तो इनकी जो स्टोरीज वगैरह देखो उसमें, वैसे वो जो मंजर कशी होती है ना, वो होती अरब की ही थी, तो लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये ओरिजिनली असल में होते थे, ये तो फिर सीरत पढ़ के पता चला। तो हजरत अदी बिन हातिम ताई इनके बेटे थे ना, तो ये इनकी तो डेथ हो चुकी थी हातिम ताई की। अदी बिन हातिम जो है वो हयात थे और वो कबीले के सरदार भी थे। अभी तो हम ऐसी बात मुसलमान नहीं है, तो उनकी अभी हम स्टोरी पढ़ने लगे हैं कि उनकी अली बिन अबी तालिब को वहां पे भेजा और फिर अदी बिन हातिम ताई कैसे मुसलमान हुए, ये अभी हम देखने लगे हैं। तो हजरत अली जो है वहां पर गए हैं और इनके कबीले, जैसे इनको पता चला है ना अदी बिन ताई हातिम ताई को आ रहे हैं मुसलमान, हमला कर रहे हैं, तो अदी ने क्या किया, ये सारा कुछ छोड़ दिया और चले गए, भाग गए, समझे आप, अपनी फैमिली को लेके, बीवी बच्चों को और जितनी दौलत वो ले सकते ली, और शाम की तरफ नहीं, ये रोमन एम्पायर की तरफ ना, शाम ऊपर ही बनता है उधर ही, रोमन एम्पायर की तरफ अरब के जो एंडिंग एरियाज है जहाँ पे बेसिकली क्रिश्चियन अरब ट्राइब्स होते थे, कई हमने इनका जिक्र पढ़ा है, वहां पे क्रिश्चियनिटी को इन्होंने कबूल कर लिया वहां पे जाकर। तो हजरत अली ने इनके कबीले के फिर बाकी लोगों को पकड़ा है, और उसमें ताई की बेटी भी शामिल थी, इनको पकड़ के हजरत अली आपसे सलम के पास ले गए। अदी बिन हातिम ताई तो भाग चुके थे, इन सबको लेके चले गए हजरत अली। तो आपसे सलम के पास पहुंचे तो जो इनकी बेटी थी हातिम ताई की, उन्होंने बोला कि जी मैं हातिम ताई की बेटी हूँ, मैं इतने बड़े सरदार की बेटी हूँ और आपके लोगों ने मुझे इस तरह पकड़ा वगैरह वगैरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद कर दिया, उन पर रहम किया और उनको आजाद कर दिया। तो वो फिर गई हैं अपने भाई के पास, अदी के पास,
नॉर्थ की तरफ, अरब के क्रिश्चियन ट्राइब्स की तरफ, और वहां जाके उन्होंने फिर अदी को बोला है कि तुम ऐसे करो, तुम जाओ आप सल्लम के पास, अल्लाह के रसूल के पास। और इनकी बहन भी अभी इस्लाम कबूल नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये सारी स्टोरी अभी चल रही है। उनको छोड़ दिया तो वो अपने भाई के पास गई, उन्हें कह रही है कि तुम जाओ उनके पास, मोहम्मद के पास, और देखो जाके कि या तो वो रसूल है या वो बादशाह है। जाहिर है अब तो मक्का भी फतह हो चुका था ना, और मदीना के तो ऑलरेडी आप सरदार थे, मक्का के भी सरदार, पूरे आधा अरब तो अब आपके पास ही थे। कुछ कुछ इलाके ही रह गए थे ना कि जहाँ पे इस्लाम का पैगाम नहीं भेजा या जिनको आपसे सलम का नहीं पता था। तो ऐसा लीडर आपको सारे कबूल कर चुके थे, तो उन्होंने बोला कि या तो वो बादशाह है, किंग है, तो अगर वो किंग है तो उनकी तो माननी पड़ेगी, तो तुम उनके पास जाओ, उन्हें मिलो, फिर उनके साथ अच्छे मरासम कायम करो, अच्छे अच्छे ताल्लुकात हो, ताकि फायदा हो। अगर वो बादशाह नहीं है, अगर वो कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं, तो अगर वो रसूल भी हैं तब भी उनकी माननी पड़ेगी, तब भी उनकी मानो, उन्हें देखो जाकर। तो ये अदी बिन हातिम ताई जो थे, उनके दिल को ये बात लगी, उन्होंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। तो वो फिर अपने घोड़े पे बैठकर अपने जाहो जलाल के साथ, जैसे कि वो सरदार थे कबीले के, गए हैं मदीना में, एंटर हुए हैं। तो ज्यादा जाहिर है मदीना के जो लोग होते हैं वो इर्द गिर्द के कबीले के लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है ना, वो अपने आप को, अपने लोगों को या मक्का के लोगों को वो लोग ज्यादा पहचानते थे। मदीना में खबर फैली है, कुछ लोग जो पहचानते थे वो फिर जमा हो गए, और फिर खबर फैली कि ये तो अदी है, तो इनके इर्द गिर्द लोगों ने जमा होना शुरू कर दिया, इनको घेरे में ले लिया, ताकि ये यही होता था ना कि दुश्मन ना हो और नुकसान ना पहुंचाए किसी भी मुसलमान को या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इनको घेरे में ले लिया गया, आप सल्लम के पास ले जाया गया, और आप सल्लम ने फिर इनसे बातचीत का आगाज किया। और ये बातचीत हमें बातचीत जो है ये सारी रिकॉर्डेड हमें मिलती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इनसे कहा, आदि बिन हातिम ताई से, असलम, कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम ले आओ तो तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, तुम्हारा इलाका भी सेफ है, तुम्हारे जानवर, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारी दौलत वालो दौलत सब कुछ सेफ है, और तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक अच्छा रिलीजन चूज कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी एक अच्छे मजहब को फॉलो कर रहा हूँ, और उनकी अपनी एक तहजीब है। तो यानी उनका मतलब ये था कि आप तो ये मुशरिकीन को बताने आए थे ना इस्लाम का, कि इनकी कोई तहजीब ही नहीं है, इनका कोई मजहब अच्छा ही नहीं है, ये तो बुतों की पूजा करते हैं, तो इनको आप बताने, तो मेरे पास तो ऑलरेडी है, मैं तो ईसाई हूँ और मैं तो ऑलरेडी एक अच्छी चीज को फॉलो कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ, ये इनका रिस्पॉन्स था। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बताया कि तुम्हारा जो मजहब है उसको मैं तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ, और फिर आपसे सलम ने उसको एक दो मिसालें भी दी कि ऐसे ऐसे तुम लोग करते हो, जबकि ये ईसाइयत में शामिल नहीं है। तो इस इन्होंने भी बोला कि जी ऐसा ही है, हम वाकई ऐसा ही करते हैं, कि ये सब ईसाइयत में शामिल नहीं है। फिर उसी असना में एक औरत आपसे सलम के पास आई, और अपनी कोई अर्जी उसने पेश की, कोई सवाल वगैरह, तो आपसे सलम उसकी बात सुनते रहे जब तक कि उसका मसला नहीं हल हो गया, और उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उसको हल नहीं कर दिया गया, वो कर दिया गया। फिर आप इसकी तरफ, अदी बिन हातिम ताई की तरफ दोबारा मतवज्जा हुए, तो इससे अदी के दिल में ये आया कि ये बादशाह नहीं हो सकते, अगर तो ये बादशाह होते ना तो इतनी एक आम औरत इनके पास आई है तो उसको इतना टाइम देना, इतने ध्यान से बात सुनना, फिर उसकी बात, उसके मसले को हल करना, फिर मेरी तरफ ध्यान देना कि मैं खुद एक सरदार हूँ, तो सरदार एक सरदार को इस तरह इग्नोर करके आम लोगों की बात नहीं सुनता, तो ये कोई दुनियावी बादशाह टाइप नहीं है, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यानी ये कोई जाहो जलाल और मालो दौलत के पीछे नहीं है कि मेरी सरदारी भी खत्म हो, सारे सरदारों की सरदारी खत्म हो, सिर्फ ये एक सरदार बन के रह जाए, ऐसा नहीं है, ये इन्होंने वहां से कंक्लूड कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को कंटिन्यू किया, और आपने बताया कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, और ये जो ज्यूज हैं, यहूदी हैं, ये मकदूब हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, ये गुमराह है, मिसगाइडेड है। ठीक है, तो असल बात क्या है, असल बात सिर्फ एक अल्लाह को मानना है। तो क्या तुम ये बात नहीं मानते कि सिर्फ अल्लाह ही ऑल माइटी है, अल्लाह ही पावरफुल है, अल्लाह ही की सारा इक्तदार है, सब ताकत है, कुदरत है? तो इस पर अदी ने कहा कि हाँ बेशक ऐसा ही है, कि सिर्फ एक ही खुदा है और उसी की है सारा कुछ, उसी का इक्तदार है, उसी की बादशाहत है, उसी की कुदरत है, सब कुछ उसी का ही है। तो इसके बाद फिर आपसे सलम ने फरमाया कि क्या तुम इसलिए नहीं इस्लाम कबूल कर रहे कि तुम हमारे इर्द गिर्द देखो तो तुम्हें मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं नजर आ रही? तो आपसे सलम ने फिर बताया कि एक वक्त वो आएगा जब तुम खुद देखोगे मुसलमान इतने मजबूत हो चुके होंगे कि
इतने ज्यादा मजबूत हो चुके होंगे कि ये जो कैसरो किसरा के खजाने हैं ये मुसलमानों के हाथों में होंगे, यानी इतनी फतूहात फैल चुकी होंगी और उनके खजाने हमारे हाथों में होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो चुकी होगी ना, और ऐसे हालात आ जाएंगे, मुसलमान इतनी तरक्की कर जाएंगे कि एक मुसलमान बाहर निकलेगा सदका जकात देने के लिए और उसे लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा आ चुकी होगी। तो मैं हमारे हालात बुरे नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे आगे जाके देखना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस जो है मुसलमानों की वो इम्प्रूव हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी। तो ये बात सुनकर फिर अदी बिन हातिम ताई का दिल थोड़ा और नरम हुआ, और जाहिर है जो ऑलरेडी ईसाइत की तरफ था वो इस्लाम में, वो ऑलरेडी मोनोथिज्म की तरफ, एक खुदा को मानने की तरफ पहले से ही होता है, झुकाव उसका ऑलरेडी होता है। पता चलता है ना, सारा कुछ हो जाता है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है, तो वो कबूल कर लेते हैं। तो फिर अदी बिन अबी हातिम के ताई के पास अभी और तो कोई बहाना नहीं था, तो फिर उन्होंने आपसे सलम के साथ इस्लाम कबूल किया और फिर वापस अपने कबीले में चले गए। और इनकी बहुत सारी रिवायात हमें मिलती हैं, बहुत सारी अहादीस भी इनसे रिलेटेड मिलती हैं। वो जो आपको याद होगा आयाते सयाम नहीं है, रोजे की जो आयतें रमजान में हमने पढ़ी थी और पिछले रमजान में भी हमने पढ़ी थी, आयाते सयाम रोजे की जो आयते हैं उनमें भी जो वो आयत है ना कि रोजा तब सहरी का वक्त तब खत्म होता है जब सफेद धागा और काला धागा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये भी इन्होंने ही आपसे सलम से सवाल पूछा था कि इसका क्या मतलब है। ये हदीस हम पढ़ते होते हैं ना जब हम वो आयत की तफसीर डिटेल में तफसीर पढ़ते हैं, तो आपसे सलम ने इन्हें बताया था कि इन्होंने ये किया था ना बेसिकली कि धागे लेके अपनी सरहाने के नीचे रख दिए थे कि जब काला धागा सफेद हो जाएगा तब रोजे का टाइम खत्म होता, तो इन्होंने वो रख दिए तो वो काला धागा सफेद ही नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने जाके आपसे सन से पूछा कि फिर इसका क्या मतलब है, तो आपसे सन ने बताया इसका मतलब है कि जब फजर का वक्त हो जाएगा, यानी जब आसमान में धारीदार धागा जो है धारी नजर आएगी, रोशनी की धार नजर आएगी, ये मतलब है इसका, यानी मेटाफोर है, ये एग्जाम्पल दी जाती है ना किसी और चीज के साथ, इस तरह ये एक्सप्लेन किया गया। कुरान मजीद कलाम है ना, अल्लाह का कलाम में बातचीत में इस तरह के मेटाफोर्स दिए जाते हैं, तो ये इनको समझाया था आपसे सलम ने। फिर शिकार का इनको बहुत ज्यादा शौक था, तो शिकार से रिलेटेड बहुत सारी अहादीस वगैरह जो इनसे हमें पता चलती हैं। तो ये इनका स्टेटस था बेसिकली, और ये सहाबी थे जो कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इसके बाद मदीना में मजीद क्या वाकयात हुए, एक निकाह हुआ था, एक तलाक, एक पैदाइश और एक वफात। पहले पैदाइश और वफात की बात कर लेते हैं। वफात किसकी हुई थी इस हिजरी में, 8-9 हिजरी के दरमियान में है आप, ठीक है, 8 हिजरी में रमजान में मक्का फतह हुआ था, सही, उसके अगले 2-3 महीने गुजर गए और अब मदीना में है, तो 8-9 हिजरी के दरमियान की ये सारी बातें हो रही हैं। वफात किसकी हुई थी, वफात हजरत जैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा जो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी, उनकी वफात हुई 30 में थी, वो ज्यादा एज नहीं थी, 32-33 तक कुछ एज होगी, और बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार क्यों थी, क्योंकि आपको याद होगा हिजरत की हमने जब स्टोरीज पढ़ी थी तो हिजरत की स्टोरी पर हमने देखा था ना कि हजरत जैनब ने जब आना था तो मुशरिकीन ने घेर लिया था और उनको फिर उनके वो घोड़े को इस तरह हिलाया था, घोड़ा या ऊंट, घोड़ा था मेरे ख्याल में, उसको इस तरह हिलाया था या ऊंट था जो भी था, जानवर को ऐसे हिलाया था, ऐसे उसको तंग किया था कि वो उछला है, तो हजरत जैनब उसके ऊपर से नीचे गिरी थी, और उस वक्त वो प्रेगनेंट भी थी, तो मिसकैरेज भी हुआ, फिर ब्लीडिंग हुई, और वही जख्म और वही ब्लीडिंग, ये सारा कुछ ही, यही तकलीफ उनको कंटिन्यू रही है मदीना में, ये 8 साल हो गए, 8 साल तक कंटिन्यू रही है, अल्टीमेटली इसके बाद इनकी फिर डेथ हो गई यहाँ पर। और इनके हस्बैंड भी आपको याद होंगे, हजरत खदीजा की जो बहन के बेटे थे, यानी इनके कजन अबू अलास, उनके साथ इनका निकाह हुआ हुआ था ना, और दोनों में बहुत मोहब्बत थी, और आपको अबू अलास का मदीने आने वाली स्टोरी भी याद होगी। तो इन हजरत जैनब की फिर डेथ हुई, और हजरत जैनब से पहले आपसे सलम की किस औलाद की डेथ हो गई थी, हमने पढ़ा था बदर के बाद, बदर जब हुई है तो हजरत उस्मान की जो पहली जौजा थी आपसे सलम की बेटी हजरत रुकैया, उनकी डेथ पहले हो गई थी। हजरत रुकैया बिनते मोहम्मद कब हुई थी बदर, 2 हिजरी में, तो 2 हिजरी में उनकी डेथ हुई थी, अभी 8-9 हिजरी के दरमियान में, 8 हिजरी के एंड में हजरत जैनब की डेथ हुई है। और रह गया हजरत उम्मे कलसूम, रह गई ना आपसे सलम की बेटी, और उसके बाद हजरत फातिमा, तो हजरत उम्मे कलसूम की डेथ भी आपसे सलम की जिंदगी में ही हो जाती है, और उसके बाद फिर हजरत फातिमा की डेथ कब होती है, आपसे सलम के विसाल के 6 महीने के बाद होती है।
और आपके जो तीन बेटे थे वो तो बचपन में ही फौत होते थे ना, दो मक्का में फौत हो चुके पैदा होने के कुछ देर के बाद। बड़ा बेटा था कासिम, जिसकी वजह से आप सल्लम की कुनियत अबुल कासिम भी थी, उसकी उसके बारे में तो ये रिवायत मिलती है ना कि वो उसकी ये एज थी कि वो घोड़े पे बैठ सकता था, चलता था थोड़ा थोड़ा, यानी 2 सालों की इस तरीके से समझे, 2 ढाई साल उस वक्त। फिर उसके बाद जो दूसरे बेटे थे, ये कहते हैं कि ये नबूवत से पहले की बात है, और दूसरे बेटे तो नबूवत सूरतुल कौसर नाजिल हुई थी तो उनका नाम अब्दुल्ला था, वो पैदा होने के 2 महीने के बाद, ऑलमोस्ट इसी तरह 1-2 महीने के बाद उनकी डेथ हुई। और एक ताहिर नाम भी हमें मिलता है, लेकिन कुछ के मुताबिक ताहिर अब्दुल्ला का ही दूसरा नाम था। ठीक है, तो दो, ये दो ही मक्का में दो बेटे थे, और तीसरे बेटे की अब पैदाइश हो रही है, ये जो पैदाइश एक लिखा है ना ये उनकी हुई थी। तो किन की डेथ, बाकी तो सारी औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा से है ना, तो हजरत मारिया किबतिया जो हैं, जो आप सल्लम की मिल्क यमीन थी, आपको तोहफतन मिली थी, इनकी स्टोरी हमने पहले देख ली थी, पढ़ ली थी, जब डिफरेंट वफूद आप सल्लम ने भेजे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो इन रिटर्न आप सल्लम को मारिया किबतिया और उनकी बहन हजरत तोहफा भेजी गई थी, तो खान को दे दी थी और मारिया को खुद। ये वो खातून है मिल्क यमीन, तो इनके बतन से पैदा हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, सॉरी, तो हजरत इब्राहिम जो थे वो आप सल्लम के बेटे, उनकी अब पैदाइश हुई। ठीक है, और पैदाइश के महीने 2 महीने या कुछ दिन, जो भी मुद्दत हमें पता चलती है, डिफरेंट लिखा होता है ना डिफरेंट किताबों में, यानी छोटे से ही थे, पैदाइश के कुछ ही अर्सा महीना हुआ होगा, तो उनकी भी डेथ हो गई। ठीक है, और उनकी जब डेथ हुई है, बल्कि ये इस किताब में मैं देख लेती हूँ कि क्या टाइम पीरियड लिखा हुआ, तो उनकी जब बेसिकली डेथ हुई है तो उस दिन क्या था, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी था। हाँ जी, यहाँ लिखा हुआ है ये 17 या 18 महीने जिंदा रहे, ये लिखा हुआ है, तो डिफरेंट वैसे लिखे हुए महीने, कोई उस वक्त इतना ज्यादा महीने और किसकी एज कितनी उम्र वगैरह का इतना ज्यादा वो काउंटिंग और हिसाब नहीं रखा जाता था ना। कर ये जो किताब है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलेमान नदवी वाली, इसमें लिखा है कि 17 मंथ ऑलमोस्ट वो जिंदा रहे, उसके बाद उनकी डेथ हुई हजरत इब्राहिम की, और जब इनकी डेथ हुई है तो सूरज ग्रहण हुआ हुआ था। और अरब के लोग जो थे वो ये मानते थे कि जब कोई अजीम शान इंसान की डेथ होती है ना, उस वक्त ये सूरज ग्रहण लगता है। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सबको जमा किया और बताया कि ये गलत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, लोगों को खुतबा दिया कि सूरज और चांद जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत है, और किसी के मरने और जीने से इनमें ग्रहण नहीं लगता। तो उस वक्त फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरज चांद ग्रहण नमाज सूफ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात अदा फरमाई और सबको सिखाई दी। तो ये बुखारी से हमें ये मिलती है, ये हदीस 1040 नंबर। ठीक है, तो ये हजरत मारिया किबतिया के बतन से ये पैदा हुए थे। निकाह कौन सी, किस निकाह की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह किया था फातिमा नामी एक खातून के साथ, या उनके नाम भी इवन और लिखे हुए, 4-5 और नाम भी उनके मेंशन है, लेकिन वाकया अलबत्ता ये तमाम सीरत की किताबों में लिखा है कि एक निकाह अलबत्ता आपने खातून, और उसी खातून के को जब लेकर आप उसके साथ जब कमरे में मौजूद है रात के वक्त, तो जैसे ही आपसे सलम एंटर हुए हैं तो उस खातून ने आपसे सलम को देखते ही बोला, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फरमाया कि तुमने अल्लाह की पनाह मांगी है जो कि अजीम है, तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, जाओ तुम अपने घर चली। तो वो वहीं से फिर इस तरह आपसे सलम ने उनको रुख्सत कर दिया, फारिग कर दिया, उनके अपने कहने पर, उनकी अपनी बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अपने घर चली जाओ। और ये किनाया तलाक कहलाती है ना, कि इस तरह डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया या तुम्हें तलाक वगैरह वगैरह, बल्कि किनाया तलाक, आपने किनाया तलाक का मतलब होता है कि सीधे अल्फाज नहीं कहे तलाक के, बल्कि इनडायरेक्ट अल्फाज कहे, और इनडायरेक्ट अल्फाज से भी तलाक हो जाते हैं ना, जैसे आपने ये कहा कि घर चली जाओ, फिर तो वो फिर चली गई। तो ये इतनी सी बात थी, और इसके बारे में अब ऐसा क्यों हुआ, ये इन्होंने क्यों कहा, इसके बारे में कोई जाहिर सी बात की हमें इस तरह की इंटरनल बात नहीं मिलती क्यों हुआ, लेकिन जो उलमा ने अखज करने की कोशिश की है उसमें वो ये लिखते हैं कि इनको कुछ जो हासिद रिश्तेदार वगैरह थे ना, उन्होंने इनको सिखा के भेजा था कि जी ऐसे गलत पट्टी पढ़ाते नहीं है लोग, औरतों को गलत पट्टी पढ़ाई थी कि तुम ऐसे कहना,
कि जैसे इससे तुम्हें फायदा होगा, लेकिन वो उनको नहीं समझती इतनी, तो उन्होंने ऐसे ही कहा तो तलाक होगी आपसे सलम, यानी उनको वापस भी चला गया। लेकिन जो भी था, हमें ये पता चलता है कि आपसे सलम की अल्लाह ताला की ख्वाहिश ये नहीं थी कि वो हमारी उम्मातुल मोमिनीन में शामिल हो, कि वो आपसे सलम की अजवाज मुतहरात में शामिल हो, तो इस वजह से डेफिनेटली ये बात। तो ये बात कहने का यहाँ पे क्या मकसद है, क्या रीजन है? नॉर्मली जो शॉर्ट में किताबें लिखी हुई होती हैं सीरत की, उनमें इस तरह के वाक्यात मेंशन नहीं होते हैं, और ये सही वाक्य है। क्यों नहीं मेंशन होते? वो लोग मोस्टली लोग कंट्रोवर्सीज बना देते हैं ना ऐसी चीजों को, इस वजह से भी शामिल नहीं होते। दूसरा, यूजुअली जो शॉर्ट में किताबें लिखी जाती हैं, जाहिर है वो जब छोटी किताब लिखी जाती है तो उसमें सिर्फ अहम चीजें ही लिखी जाती है, लेकिन इस तरह के वाक्यात भी अहम होते हैं कि हम इतनी अच्छी चीजें, बड़ी चीजें सीखते हैं इन इन वाक्यात में से। कि जैसे एक बड़ा मिथ बना हुआ है कि आपसे सलम ने कभी तलाक नहीं दी, हालांकि आपने तलाक दी, आपने इस खातून को छोड़ दिया, इसके अलावा एक और खातून का, मुझे ये नहीं याद कि हमने पढ़ लिया था या आगे जाके पढ़ना है, लेकिन एक और खातून से निकाह हुआ था, लेकिन उसकी स्किन कंडीशन, उसको बीमारी थी ऐसी अजीब सी, तो उसको भी आपसे सलम ने उसी वक्त छोड़ दिया था। यानी उसके जो जब निकाह हुआ ना, तो उसने या उसकी फैमिली ने ये बताया नहीं, बताना होता है ना पहले, अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है, कोई बीमारी है, फर्ज करें कोई अंधा है, वैसे ही बात कर रही हूँ, कोई अंधा है, कोई कुछ है, तो बताना होता है ना कि जी ये मुझे बीमारी है, उन्होंने ये इस बात को बताया बताया नहीं, तो आपसे सलम ने उसको देखकर उसी वक्त उसको भी छोड़ दिया था, तलाक दे दी थी। मुझे ये नहीं याद कि वाकया पहले हो चुका है या बाद में होना है, लेकिन अलबत्ता ये भी सही वाकया है, ठीक है, ये भी हुआ था। इसके अलावा ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन ये भी सही बात है, सही हदीस से साबित है, ने हजरत हफ्सा जो थी, हजरत उमर की जो बेटी थी, हजरत बिनते उमर रजील तजील तुम, तो हजरत हफ्सा को भी आपने तलाक दे दी थी, एक तलाक दी थी सिर्फ, और एक तलाक दी थी और वो इद्दत में थी, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए थे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आप इनको वापस ले लीजिए, ये आपकी जौजा ही रहेंगी और ये मुसलमानों की उम्महातुल मोमिनीन ही रहेंगी, उनमें इतनी खूबियां थी, जाहिर सी बात है, तभी अल्लाह ने उन्हें पसंद किया कि नहीं ये रहेंगी। ऐसी भी उनकी खूबियां हम देखें तो हमें पता चलता है कि वो कयाम करने वाली, रोजे रखने वाली, कयामा और सयामा और इस तरह उनमें बहुत सारी खूबियां थी, तो इस वजह से। लेकिन आपसे हजरत उमर की तरह उनका गुस्सा थोड़ा तेज था ना, तो आपसे सलम ने उन्हें तलाक दे दी। हजरत जिब्राइल ने मैसेज भेजा कि नहीं आप इन्हें वापस ले लीजिए, तो आपसे सलम ने फिर उन्हें एक तलाक ही दी थी, वापस पे ले लिया था, रुजू कर लिया था, ठीक है, तलाक रजी थी ना, तो रुजू कर लिया। ये भी हुआ था और ये सही वाकया है। तो ये कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आजकल हमने तलाक को बहुत ज्यादा बना दिया ना, कि हाय पता नहीं क्या हो गया, तलाक होगी तो पता नहीं पहाड़ टूट गया है हमारे ऊपर, अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो हमने अगर किसी को दे दिया तब भी पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो गया। हालांकि अगर आपस में नहीं बन रही तो अच्छे तरीके से तलाक दे देना, छोड़ देना, के छोड़ दें, चलें आप किसी और से कर लें, वो किसी और से कर लें, और हंसी खुशी फिर भी जिंदगी गुजर सकती है, आगे बढ़ा जाए, किसी और से निकाह किया जाए, तलाक दे के जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। ये जो कॉन्सेप्ट हमारा बन चुका है ना, जुल्म करते रहो, जुल्म बर्दाश्त करते रहो, तलाक नहीं लेनी, तलाक अगर किसी ने ले ली या किसी ने दे दिए तो बस उसकी जिंदगी खत्म हो गई, अब उससे कोई निकाह ही नहीं कर रहा, अब उसका कोई सहारा ही नहीं है, कुछ बन ही नहीं रहा, या उसको ताने मिल रहे हैं, या खानदान वालों को लोग बातें सुना रहे हैं, तो बन गई है ना चीजें। आपसे सलम के जमाने में ये सारा कुछ नहीं था, सहाबा के जमाने में ये सब कुछ नहीं था, ये कहने का मकसद है। और इवन सहाबा के जमाने में भी कितनी तलाकें होती थी, हजरत अस्मा को, हजरत अस्मा बिन अबू बकर जो है, तो हजरत जुबैर के निकाह में थी ना, हजरत जुबैर बिन अवाम के निकाह में थी, तो उन्होंने उनको तलाक दे दी थी। अब किसने मांगी, किसने दी, ये मैं बात नहीं कर रही डिटेल में नहीं, लेकिन उनकी भी डिवोर्स हुई थी, दोनों सहाबी थे, और कितने जलीलुल कदर सहाबी। हजरत जुबैर जो है वो कौन है, अशरा मुबशरा में शामिल, हजरत अस्मा अबू बकर की बेटी, लेकिन उनमें हुई ना तलाक। और फिर हजरत जैनब और हजरत जैद की स्टोरी तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हजरत जैद बिन हारिस जो कि आपसे सलम के ने जिनको गुलाम से अपना बेटा बना रखा था, और बेटा वाली बात तो बाद में खत्म हो गई थी ना, बना नहीं सकते, लेकिन इतने करीबी थे आपसे सलम के, हमेशा से आपके साथ थे, और उनका निकाह हजरत जैनब से हुआ है, हजरत जैनब ने नहीं बन सकी, तलाक हो गई, ठीक है। इस तरह और भी इतने जलीलुल कदर सहाबा में ऐसे होता रहा, और उसके बाद क्या उनकी जिंदगियां खत्म हो गई? ऐसा नहीं वो लोग समझते, वो तलाक को नॉर्मल लेते थे, नहीं बन रही ठीक है, जो रिश्ता हम बना सकते हैं उस रिश्ते को हम खत्म भी कर सकते हैं, और खत्म करके नया भी बना सकते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा तलाक के कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, आम नहीं करना चाहिए,
लेकिन ये हमारी इमेच्योरिटी है कि हम ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि कौन सा लेवल है जहां पे अब तलाक ले लेनी चाहिए, किस हद तक आपने क्या क्या बर्दाश्त करना है, कौन सी वो लाइन है जहां से जुल्म शुरू हो जाता है। तो जब जुल्म शुरू हो जाता है तो असल ने फरमाया कि आप जालिम को भी रोके और आप मजलूम को भी रोके, मजलूम को दूर करें जुल्म से और जालिम को जुल्म करने से रोके। तो इसका तरीका यही है कि फिर तलाक हो। तो और भी कुछ कंडीशंस होती हैं बहुत सारी, तब जब आप एक रिश्ते में रहते हुए आप अल्लाह की इबादत ही नहीं कर सकते, आप अल्लाह के नाफरमान बन रहे हैं, यानी एक दूसरे को आप इतना अब नापसंद कर रहे हैं कि आप बाहर मुंह मारी कह रहे हैं, आप बाहर अब दूसरों को आप देखने लगे, आपकी नजर इधर उधर उठने लगी है, यानी आप अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए हैं इस रिश्ते की वजह से, तब आप खत्म कर रहे हैं। ये नहीं कि आप झगड़े, थोड़े बहुत झगड़े हो रहे हैं उस वजह से खत्म करते, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन किन रीजन पे खत्म, इतनी मेच्योरिटी हम में होनी चाहिए एज अ नेशन, एज लोग, कि हम ये डिसीजंस ले सकें और ये तलाक को इस तरह बुरा ना समझे, मुतल्लकात को जिन्होंने तलाकें ले ली हैं उनको बुरा ना समझे, जिसको मिल गई उनको बुरा ना समझे, दूसरी शादियों का रवाज पैदा करें, इन जो बेवा है कोई किसी को तलाक हो गई है या किसी की शादी ही नहीं हुई थी या किसी के बच्चे हैं लेकिन अब बेवा है या मुतल्लका है, तो इनकी शादियों को आसान बनाए, निकाह को आसान बनाए। ये निकाह और तलाक के सिलसिले में हमने पहली दफा ये बात नहीं कह रहे, बहुत दफा हमने ये बातें की हुई हैं, और हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इनको ठीक करें और इनको कॉमन करें, ठीक है, इन प्रैक्टिसेस को ठीक करें, निकाह को कॉमन करें और तलाक होनी कम ही चाहिए लेकिन जहाँ जरूरत है वहां होने दें, फैमिली स्ट्रक्चर कायम रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। आगे मैंने आपको समझा दिया सारी बात का, आपको ये सारे मेन मेन वाकयात हुए थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा जकात कलेक्टर्स को भी भेजा, आप सल्लम ने कुछ सहाबा को इर्द गिर्द इलाकों में सिखाने के लिए भी भेजा, यानी हमें समझ आ रही है कि मदीना एज अ रियासत अब कायम हो चुकी है और इर्द गिर्द अब अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अब इस्लाम का पैगाम बड़े स्केल पे फैलाया जा रहा है और उस पर अमल का भी जो बंदोबस्त है वो किया जा रहा है। सबको ये बताया जा रहा है कि अब आप इस अमल की तरफ आए, अब आप ज़कात दें, अब बुत मुकम्मल तौर पर खत्म, इस तरह के अब सारी एक रियासत और रियासत के कवानीन जो कि अल्लाह के दीन के कवानीन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की अब बातें हो रही हैं। अब आगे अभी ये खत्म हो जाएगी, आज हम मेरे ख्याल में इतनी ही क्लास रखते हैं, वाकया ईला अब हमने पढ़ना है और वाकया ईला जो है उसके साथ रिलेटेड है कुछ छोटे छोटे वाकयात, ठीक है, तो ये छोटे छोटे वाकयात और वाकया ईला जो है ये इंशाल्लाह हम अब कल की क्लास में कवर करेंगे। कल सैटरडे है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे हम कल क्लास करेंगे और कल की क्लास में ये सारे वाकयात कवर कर लेंगे और अगले फ्राइडे को फिर गज़वे तबूक पे आ जाएंगे और वाकया ईला और बाकी वाकयात से रिलेटेड जो सूरतें नाजिल हुई, सूरत तहरीम वैसे हमने पहले पढ़ी हुई है लेकिन मैं उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, वो आप बीच में पूरी सूरत की तफसीर फिर हमारी कवर हो जाएगी, वो सुन लीजिएगा ताकि और इसके अलावा वाकया ईला से रिलेटेड मैंने आपको बताया था सूरत अल अहज़ाब की आयतें नाजिल हुई थी, तो वो सूरत अल अहज़ाब का वो वाला पोर्शन जो है वो रह गया था ना हमारा, हमने सूरत अल अहज़ाब का गज़वे खंदक वाला पूरा पोर्शन पढ़ लिया था, हिजाब वाला पूरा पोर्शन निकाल के पढ़ लिया था, ये वाला अब रह जाएगा, ये वाला हम फिर इसके साथ गज़वे ईला के साथ कल हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे और आगे फिर गज़वे तबूक और गज़वे तबूक का जिक्र सूरत तौबा में वो फिर हम इंशाल्लाह करें। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته